नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको ये बता रही हूँ, होममेड ब्रा बहुत ही इजी तरीके से आप इसे घर पे तैयार कर सकते हो और बहुत ही कम सिलाई में, बहुत ही कम मेहनत में और एकदम से फैंटास्टिक, बहुत ही खूबसूरत सिंपल सी ब्रा, कॉटन ब्रा घर पे कैसे बनाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 30 साइज के लिए, देखिए 30 साइज के लिए ब्रा कैसे बनाते हैं। सबसे सरल तरीका जो आज तक आपने नहीं जाना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7.5 का पॉइंट और फिर इस तरह से भी आप देखिए ये है 7.5 का पॉइंट। ठीक है, कितना है 7.5 स्क्वायर 7.5 का। इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है, ये हो गया है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 30 साइज के लिए आपको यहाँ से 3 इंच पे एक पॉइंट लगाना है। कितना लगाना है, 3 इंच पे एक पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को जितना ये सीधा हो रहा है ना, जहाँ भी आपको जा रहा है जैसे सीधा हो रहा है उस तक आपको ऐसे इसको सीधा कर देना है। ये मैंने इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। किसी भी साइज के लिए उस साइज का चौथा भाग लेकर के स्क्वायर में इस तरह से पैटर्न ले लें। पैटर्न बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपको अपनी ब्रा की जो लंबाई कितनी लेनी है, जैसे इस साइज के अंदर लगभग 6 इंच लंबाई होती है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 7.5 इंच, यानी 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 7.5 की ये जो लंबाई है यहाँ पे इसको पॉइंट लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको इसको गोलाई करनी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसकी गोलाई करते हुए और इस लाइन पर आपको सिलाई लगानी है। ठीक है ना, जो मैं ये लाइन बना रही हूँ इस लाइन पे हमें इसको सिलाई लगानी है। अब ये आप अच्छे से देखिए कि कैसे मैंने इसको ये ऐसे ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। बस बहुत बाद में बहुत ही सरल स्टेप्स हैं। यहाँ पे आपको 1.5 इंच का एक पॉइंट लगा देना है। यहाँ तक हम इसको बंद रखेंगे और उसके बाद हम इसको ओपन रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा देती हूँ, ये है हमारी सिलाई का लाइन और इसको मैं यहाँ पे इसको कट कर देती हूँ, निकाल देती हूँ और इसके बाद हमें इसको सिलना है। तो आगे की प्रोसेस मैं आपको कपड़े पे इसको दिखाती हूँ कि कैसे आपको जो ब्रा बनानी है। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी साइज के लिए। तो इस साइज के लिए आपको 1/2 इंच, यहाँ पर आपको 1/2 इंच का एक पॉइंट लगाना है और इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको बाद में कटिंग नहीं करना पड़े। अगर आप अब भी नहीं इसको कटिंग करेंगे हम फरमे को, तो बाद में जब कपड़े को ऐसे ये सिलाई लगा लेंगे तो हमें इसको यहाँ से बराबर करना होता है, नीचे की साइड होती है जो, उसको बराबर करना होता है। तो हम कपड़े पे कैसे बराबर करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, पर मैं यहाँ पर इस जो फरमे में मैं आगे पहले से ही इसको यहाँ पर बराबर कर लेती हूँ ताकि मुझे कपड़े में नीचे से इसको बराबर ना करना पड़े। तो ये देखिए इस तरह से, अब जैसे ही आप इसकी स्टिचिंग लेंगे ये वाली पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल जो ब्रा का पैटर्न है वो तैयार हो जाएगा 30 साइज के लिए। तो अभी हम इसके आपको मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। अब हम एक ये वाली सिलाई निकाल लेते हैं, दोनों पार्ट्स पर अलग अलग कैसी सिलाई निकालनी है। सबसे पहले ये वाली सिलाई निकाल लेते हैं, तो अभी आप देख सकते हो मैंने ये वाली सिलाई निकाल ली है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका जो ब्रा पैटर्न है वो इस तरह से बनता है, दोनों पैटर्न्स इस तरह से बराबर हैं। अब हमें इसकी जो साइड्स हैं उसको ऐसे फोल्ड कर देना है, देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी। देखिए इससे पहले आपको ये वाला कट यहाँ पर लगा देना है, इतनी दूर तक आपको फोल्ड नहीं करना है, लगभग 1.5 इंच या 2 इंच आप जितना इसको बंद रखना चाहते हो। तो यहाँ तक मैं इसको कट कर देती हूँ, ये सिलाई अलग होगी और यहाँ तक मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगाना है यहाँ तक और इनको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे एक फोल्ड किया फिर दो फोल्ड किया फिर ऐसे इसकी जो है वो सिलाई कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से नीचे वाले को ऐसे फोल्ड किया और सिलाई कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ तक इसके चारों ओर फोल्ड कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इस तरफ से इसको फोल्ड कर दिया, इस तरफ से इसको फोल्ड कर दिया, ठीक इसी तरह से इस पार्ट्स को भी फोल्ड कर दिया है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये जो हमारी सीम का है ये हम इसके ऊपर रख करके इसकी एक सिलाई निकाल देंगे, जहाँ तक कि ये देखो कटिंग की हुई है वहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको सिल देते हैं।
तो ये बीच की सिलाई लगा दी है, अब हम लगाएंगे नीचे की ओर सिर्फ इलास्टिक। तो आप 1 इंच का इलास्टिक लें और जितनी आपकी कमर है उससे आप लगभग 3 या 4 इंच कम लें। तो जितनी भी आपकी कमर है उसे 4 इंच कम इलास्टिक आप ले सकते हैं। इलास्टिक लेने के बाद आपको इसका सेंटर बना लेना है, जैसे इसका हाफ सेंटर होता है, आधे के ऊपर एक निशान लगा लीजिए इस तरह से। और आधे पे निशान लगाने के बाद इसको आप सेंटर पे रखिए, जो बीच का सेंटर है उसको आप इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करें और एकदम सेंटर पे इस पॉइंट को रखें और फिर एक सिलाई लगा दें। ध्यान रखना ब्रा को थोड़ा सा एकदम मामूली सा फोल्ड करना है और उसी फोल्डिंग के ऊपर आपको सिलाई भी लगानी है। तो जितनी आपकी कमर है उससे आपको 4 इंच इलास्टिक कम लेना है, ठीक है। और लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा थोड़ा नीचे से फोल्ड करके और आपको एक सिलाई लेनी है। एकदम इजी है, सिलाई लेते समय आपको इलास्टिक को खींचना है, कपड़े को ऐसे ही रखना है जैसे कि है वो, इलास्टिक को थोड़ा खींच के लगाना है ताकि जो हमारी जो कप्स है उसके अंदर तो थोड़ा चुन्नट आए और वो इस तरह से तैयार हो। तो आप देख सकते हो मैंने इलास्टिक को थोड़ा खींच के लगाया था और नीचे से बारीक सा फोल्ड कर दिया है, बिल्कुल से तैयार है कप्स। अब जो इलास्टिक की जो साइड्स है ना, दोनों साइड्स, उस पर हम हुक और आई का पैटर्न लगाएंगे। पैटर्न आपको रेडीमेड मिल सकता है, पैटर्न आप घर पे भी तैयार कर सकते हो। घर पे कैसे तैयार करना है वो मैंने वीडियो डाला हुआ है कि भाई जो ब्रा के लिए हुक और आई का पैटर्न कैसे बनाएं, और घर पे भी ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से जो रेडीमेड के होते हैं वो भी मिलते हैं, वो भी आपको 5 से 10 रुपये में 20 रुपये में मिल जाते हैं, जिसके अंदर के ऊपर का बेल्ट भी आता है। तो सब जगह अलग अलग रेट होती है, अलग अलग जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से होता है। अब ये यहाँ पे मेरा जो इलास्टिक है वो छोटा पड़ गया, पर मेरे पास 1 इंच का इलास्टिक था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का इलास्टिक लगाया था, तो ये थोड़ा छोटा हो गया है। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे स्टिच करना है इस इलास्टिक को इसके ऊपर हुक और आई के बटन के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको स्टिच करके ऊपर की सिलाई लगा दें, एक साइड में अब हुक की पट्टी और दूसरी साइड में आपको आई की पट्टी लगा करके और एक ऊपर की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे आपकी हुक और आई की पट्टी जो है वो यहाँ पे स्टिचिंग हो जाएगी। बहुत ही आसान है दोस्तों, थोड़ी सी सिलाई लगती है और जो सारे कच्चे आइटम्स हैं वो आपको मार्केट में मिल जाते हैं। हुक और आई की बटन पट्टी और ऊपर वाली जो स्ट्रिप्स होती है वो रेडीमेड मिल जाती हैं, और आपको सिर्फ 2 कप्स बनाने हैं और फिर नीचे इलास्टिक लगा करके और ब्रा को तैयार करना है। और एकदम परफेक्ट फिटिंग भी रहती है इसकी, बहुत अच्छी रहती है। अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। यहाँ पर ये मैंने स्ट्रिप्स लिया 2, ये भी रेडीमेड मंगाई है मैंने, और ये हर जगह मिलती है मार्केट के अंदर। तो एक स्ट्रिप्स के ऊपर वाले पार्ट्स को हम यहाँ पे लगाएंगे ऊपर के कॉर्नर पे, और जो इसकी नीचे की जो, इसको पूरा लंबा कर लेते हैं खोल करके, और इसकी जो लास्ट की है उसको हम इलास्टिक के साथ अटैच करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1 इंच की दूरी से, क्योंकि 2 इंच की हुक और आई की पट्टी आ जाएगी, 1 इंच का ये स्पेस रख लिया है, तो टोटल इस तरफ भी 3 इंच हो जाएंगे और ब्रा की तरफ भी 3 इंच हो जाएंगे। तो 3-3 इंच के स्पेस से आपको ये हुक जो अपना पीछे की जो ऊपर वाली स्ट्रिप है वो लगानी है। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से लगा दिया है, देख करके भी कोई आदमी आसानी से समझ जाता है कि किस तरह से लगाना है। दोनों साइड से 3-3 इंच की दूरी पे आपको लगाना है, जो इलास्टिक है वो आपको 1 इंच का यूज करना है, तब आपकी जो ये पट्टी है वो छोटी बड़ी नहीं होगी, दोनों की सिलाई बिल्कुल बराबर आएगी। और यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिप्स है वो भी स्टिच कर दी है। देखिए ब्रा कितनी खूबसूरत सिंपल से घर में बनकर के तैयार हो गई है, और अब आपको सैकड़ों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे इस वीडियो को देख करके अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग आप जो ब्रा है वो बना सकते हैं। एकदम सरल है और इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, एकदम ईजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत ही अच्छी ब्रा बन करके तैयार हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।